इडियट। तो कभी कभी जीनियस लोग भी इडियट हरकतें कर देते हैं। तो बच्चों की अलग अलग जहनी इस्तेदाद होती है। कुछ बच्चे बेचारे बिल्कुल ही मेंटली रिटार्डेड या जहनी तौर पर पसमानदा होते हैं, ऐसे बच्चों को हम जो है तो जो रूटीन स्कूल्स हैं हमारे उन स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, उनके लिए MR स्कूल्स होते हैं। लेकिन जो बच्चे बिलो एवरेज भी होते हैं लेकिन सीख सकते हैं वैसे बच्चों को स्कूल में डाला जाता है। तो जाहिर है कि अलग अलग इस्तेदाद के बच्चे हैं, तो टीचर्स को भी, जो टीचर एक महीना दो महीना जब आप पढ़ाता है कोई टीचर, तो उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से बच्चे की सलाहियत क्या है, और उस एतबार से उसको उन बच्चों के साथ डील करना चाहिए। मुश्किल ये है कि हमारे सिस्टम में सबको एक ही रेस में दौड़ना पड़ता है। तो बहरहाल जो बच्चा बेचारा कमजोर रहता है उसको घसीट घसीट के लेके आगे जाना पड़ता है आपको। तो आपको कोशिश ये करना होगा कि भाई सब बच्चों को उनकी जो जहनी इस्तेदाद है उसके अतबार से वो मैक्सिमम क्या अचीव कर सकते हैं उसके लिए कोशिश करना चाहिए। जिस तरह जहनी तौर पर कमज़ोर बच्चों की एक परेशानी होती है कि वो पिकअप नहीं कर पाते हैं, वैसे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे रहते हैं उनकी भी एक परेशानी ये रहती है कि उनको भी दूसरे बच्चों के साथ रेस में चलना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जो है तो आमतौर पर न सिर्फ खुद मुश्किल में पड़ते हैं बल्कि दूसरों को, टीचर्स को भी मुश्किल में डालते हैं। वो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं टीचर्स से, और तो उस वजह से कई मरतबा तो ऐसे सवाल कर लेते हैं जो टीचर्स को भी नहीं पता रहता। तो बजाय उसके कि टीचर ये कि ठीक है भाई मैं इस पर गौर करूंगी और मैं आपको कल जवाब दूंगी या बोलूंगी, उसके बजाय बहुत से टीचर्स ये जाहिर नहीं करना चाहते कि भाई मेरे को कोई चीज़ पता नहीं। हालांकि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसको हर चीज़ पता है, जाहिर है कि हर एक में कुछ वीकनेसेस है, कुछ स्ट्रेंथ्स है, कोई चीज़ पता है कोई चीज़ नहीं। तो टीचर्स ऐसे बच्चों से बहुत नाराज़ है, उनको लगता है कि ये क्या सरदर्द है, तो वो लोग जो है तो उनको डांटते डपटते रहते हैं, तो उससे बच्चों पे गलत असर पड़ता है। उसकी बेचारे की उसकी जो क्यूरियसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, और बच्चा जो है तो फिर कुछ बच्चे तो समझदारी से आगे निकल जाते हैं लेकिन कुछ बच्चे एरोगेंट और वो हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसी तरह बच्चों में कुछ कुछ नफ्सियाती अमराज भी हो सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं जो रियाजी में बहुत वीक होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो लैंग्वेजेस में वीक होते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको एक बीमारी रहती है जिसको हाइपर एक्टिविटी कहते हैं, हमने एक कैम भी लिया था उसका, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा कोई बात पे ध्यान नहीं दे पाता है। आप अगर प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाएंगे तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपनी चेयर पे, अपने टेबल पे, अपने बेंच पे बैठ ही नहीं सकते, उनको बिठाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनको अगर आप पेंसिल देकर अगर कुछ लिखने के लिए कहेंगे तो दो मिनट के बाद वो तो छोड़कर चले जाते हैं, और हमेशा जो है तो ऐसा लगता है कि जैसे चाबी बदल को खिलौने को छोड़ दिए तो वो चलते रहता है, वैसे उस ढंग से वो लोग बिहेव करते हैं। और वो बच्चे न सिर्फ खुद डिस्टर्ब रहते हैं बल्कि दूसरों को भी, वो दूसरे जो आसपास के बच्चे रहते हैं उनको भी वो लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। ऐसे बच्चों को एक तो टीचर्स को उनके साथ अच्छा बिहेव करना होगा, दूसरा जैसे मैंने कहा कि उनको जो है तो मैदानी खेलों में लगाना होगा, फिजिकल गेम्स में लगाना होगा ताकि उनकी एनर्जी यूज हो। दूसरा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची मुसलसिल बोलते ही रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको अगर हम रेडियो जॉकी बना दिए, आजकल FM बहुत आ रहे हैं तो वहाँ पर जो जॉकीज रहते हैं अगर आप सुने तो वो कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, या एंकर्स रहते हैं TV के, उनको भी सिवाय बोलने के दूसरा कोई काम नहीं रहता। तो जाहिर है कि ऐसे बच्चे जिनके ये प्रॉब्लम है उनको वहाँ पर उनकी जो प्रॉब्लम है उसको एक ऐसे असेट हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक है। दूसरा है कि अगर ऐसा लगता है कि ये बच्चे बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है तो आप जो है तो साइकेट्रिस्ट को या जो नफ्सियात के डॉक्टर हैं उनके पास भी भेज सकते हैं। दूसरी ये कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपोजिशनल बिहेवियर जिसको कहते हैं कि वो हमेशा नाफरमानी करते हैं, हर बात की मुखालफत करते हैं, खुद गलतियाँ करते हैं और उसके इल्जाम दूसरों पर डालते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हो बच्चे, और मैनिपुलेटिव जिसको कहेंगे कि घुमाने की कोशिश करते हो टीचर्स को कोई भी बात नहीं। जैसे एक छोटा सा जोक है कि चार बच्चे रहते और वो एक एग्ज़ाम को नहीं आते, तो टीचर को बोलते आके भाई टीचर दूसरे दिन पूछते क्यों नहीं आते एग्ज़ाम को, नहीं हम जो कार में आ रहे थे उसका टायर पंचर हो गया था। टीचर बोलता ठीक है चलो चारों को चार कोने में बिठा देता हूँ, अब मैं टेस्ट लूंगा, बोले तुम्हारा ठीक है, एक ही सवाल है, वो क्या सवाल है, वो पूछता कौन सा टायर पंक्चर हुआ था ये लिखो। तो इस तरह बच्चे
तो इस तरह बच्चे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो टीचर को भी टैक्टिकली उनको हैंडल करना चाहिए, ताकि उनको अंदाजा हो कि टीचर भी हम काफी स्मार्ट है और आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो यह ऐसे बच्चों को सुधारना वाकई बहुत सब्र का काम है, और टीचर्स अगर उनको हैंडल करते हैं तो मैं समझता हूँ उनको आखिरत में भी इसका रोजगार मिलेगा। इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट, न सिर्फ बच्चों के टीचर्स के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी उनको डील करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कि और ज़्यादा आप सख्ती करेंगे तो और ज़्यादा इमोशन वो हो जाते हैं, और बहुत ही उनको छूट दे दिए तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो उनको टैक्टिकली हैंडल करना पड़ता है, या अपने को लगता है कि भाई इसका गुस्सा या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो आप कोई डॉक्टर को भी उसे बता सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं थोड़ा सा जो एडोलेसेंस पीरियड है उस पर बताऊँगा कि 11 से जो 20 साल का पीरियड होता है वो लड़कपन कहलाता है एडोलेसेंस। उसमें आमतौर पर बच्चों की पहचान बनती है, बच्चे अपने आप को बनाता है, बच्चे ये सोचने लगते हैं 8वीं 9वीं 10वीं में जो है हमें करना क्या है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिंगर बनना है, ड्राइंग के आर्टिस्ट बनना है। बहरहाल उसमें अलग अलग किस्म की सलाहियतें हैं, या कोई फुटबॉल खेलता है, या कोई जो है अलग किस्म की सलाहियतें डेवलप होती है। उस वक्त उस क्लासेस में जो हाई स्कूल के जो क्लासेस है जिसमें, तो वहाँ पे टीचर्स को और पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों की क्या सलाहियतें हैं उनको समझें, और उस एतबार से उनको जो है तो मोटिवेट करें, उनको आगे बढ़ाएं। दूसरा ये होता है कि इसी उम्र में बच्चे जो है तो बच्चे हो बच्चियाँ हो उनकी जो दोस्ती है दूसरे बच्चों से और बच्चों से वो ज़्यादा गाढ़ी होती है, मतलब गहरी होती रहती है। पहले जो बचपन में 5-10 साल में हमारे जो दोस्त रहते हैं उनसे हमारे ताल्लुकात ऐसे बहुत अधूरे रहते हैं, लेकिन ये उम्र में जो होती है 15 से 20 साल में इनमें जो दोस्ती होती है जिन लोगों से हम मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अच्छी सोबत में रहना चाहिए। उस वक्त वो लोग कोई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी बच्चे जुड़ते हैं, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, उनकी जो सोच है मजहबी सोच हो, सामाजिक सोच हो, जो सियासी सोच हो, स्पिरिचुअल, इस वक्त ही यही पीरियड में जो है तो ये सब डेवलप होते हैं। उस पीरियड में हमको ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए अपने बच्चों के तरफ से, इसलिए कि एक बार इस उम्र में उनके जो ख्यालात बन जाते हैं या उनका जो बिहेवियर बन जाता है वो आगे उसके असरात को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ये इस उम्र में बजाय अपनी कोई पहचान बनाने, जैसे 10th है, 12th है, 12th के बाद एक डेफिनेट पहचान बन जाती है आपकी कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं, आर्ट्स करना है, साइंस करना है, कॉमर्स करना है, मेडिसिन करना है, या आपको जो है तो टीचिंग करना है, या जर्नलिज्म करना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करना है ज़िंदगी में, उनकी क्या पहचान है, वो कौन है, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस कहा जाता है, मतलब पहचान का बहरान। ऐसी सूरत में बच्चे समझ ही नहीं पाते कि उनको करना क्या है। इस मौके पर अगर उनको कोई अच्छे टीचर्स, अच्छा सरपरस्त, अच्छे वालदैन, अच्छे दोस्त या उनको गाइड करने वाले अगर मिलते हैं तो वो उनको सही रुख दे सकते हैं, लेकिन अगर उनको नहीं दे पाए तो उनमें फिर बच्चों में अलग अलग किस्म के मसाइल पैदा होते हैं, जैसे घर छोड़कर बाहर जाना, ये क्राइम्स है, छोटे छोटे क्राइम्स, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जिसे कहते हैं, बच्चों के क्राइम 14 से 15, 16, 20 साल के होंगे। आप अगर अखबार पढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि कई मतलब अखबार में आते हैं कि 15 साल के 18 साल के बच्चे जो है तो अपने पड़ोसी के कोई बच्चे को अगवा कर लेते हैं और उससे फिर डिमांड करते हैं पेरेंट्स से कि पैसा दो। तो बहरहाल ये अलग अलग किस्म की शिकायतें पैदा होती हैं। तो उस मौके पर अगर बच्चे कोई अच्छी सामाजिक और मजहबी तंजीमों से अगर वो जुड़ जाते हैं या उनका आसपास का माहौल अच्छा रहता है, जैसे हम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब मुस्लिम ही हैं यहाँ पर, तो अगर हम अपने आप को नमाज और सामाजिक जो अच्छे एक्टिविटीज़ हैं उनसे जोड़ते हैं तो ज़ाहिर है कि हम इन सब बातों से बच सकते हैं। तो बहरहाल मैंने कोशिश की है आपके सामने एक चीज़ रखने की जो 5 से 15, 16 साल तक के बच्चों को हम किस ढंग से कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी हद तक आपसे बात की है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया, जजाकल्लाह।